यार आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Realme के कौन कौन से स्मार्टफोन में Realme UI 2.0 फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट या फिर ओपन बीटा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। एंड इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा Realme के कौन कौन से स्मार्टफोन में मार्च 2021 में Realme UI 2.0 स्टेबल अपडेट रोल आउट होगा। एंड इसी के साथ ही साथ हम कवर करेंगे Realme के कौन कौन से स्मार्टफोन में Realme UI का न्यू अपडेट मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ। यार हो सके तो वीडियो को इन तक वॉच कीजिएगा बिकॉज मे बी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। देन फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं Realme के कौन कौन से स्मार्टफोन में Realme UI 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट मार्च 2021 में रिलीज किया जाएगा Realme तरफ से। तो भैया Realme P3 एंड Realme Narzo 10A डिवाइस में Realme UI 2.0 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि ये अपडेट आपके डिवाइस में इसी मंथ के लास्ट वीक तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड ये अपडेट एक बीटा अपडेट है तो लिमिटेड कोटाज के ही साथ में प्रोवाइड होगा। जो यूजर एक्टिव रहेंगे उन्हीं के डिवाइस में 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट मिलेगा। एक्टिव रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पे अप्रॉक्स 3,500 से भी ज्यादा यूजर एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से फोन में कौन सा अपडेट प्राप्त हो रहे या फिर कौन सा अपडेट प्रोवाइड हो रहे। एंड आप भी अपने डिवाइस में न्यू अपडेट को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं Realme के कौन कौन से स्मार्टफोन में Realme UI 2.0 का नेक्स्ट बैच बीटा अपडेट या फिर ओपन बीटा सपोर्ट प्रोवाइड हो सकता है। तो भैया देखो Realme के काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें Realme UI 2.0 ओपन बीटा सपोर्ट प्रोवाइड करना बाकी है, या फिर कुछ स्मार्टफोन में Realme UI 2.0 ओपन बीटा अपडेट मिल भी गया तो उनके डिवाइस में अभी फिर से मेबी 2.0 का ओपन बीटा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लाइक दैट Realme 7 Fix 6 Pro, Realme Narzo 20 Pro, Realme P12, P15, Realme X2 इन सभी डिवाइसों में अभी ओपन बीटा का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। इन कुछ डिवाइसों में Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेबल अपडेट के लिए अगर बात करें तो भैया Realme Narzo 20 डिवाइस में Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। एंड इसी मंथ के लास्ट वीक के पहले पहले Realme 7 Pro डिवाइस में भी Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना करके रखी, आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन बीटा सपोर्ट के बारे में, तो भैया Realme 6 एंड 7, Realme X2, Realme C12, C15, Realme 6 Pro इन सभी डिवाइसों में Realme UI 2.0 का ओपन बीटा सपोर्ट इसी मंथ के सेकंड या फिर थर्ड वीक के आसपास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। हालांकि इससे पहले यार Realme 7 डिवाइस में मे बी Realme UI का न्यू अपडेट फिर से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मे बी फरवरी 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच एड किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा हमारे डिवाइस में फरवरी 2021 के फर्स्ट वीक में एक न्यू अपडेट देखने को मिला था, जिसमें हमें जनवरी 2021 का न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड किया गया था Realme तरफ से। एंड भैया अभी तक हमारे डिवाइस में फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं मिला, तो यार हम वेट करते हैं ये अपडेट हमें कब तक देखने को मिल सकता है। बट आपके डिवाइस में इसी मंथ में न्यू अपडेट को जरूर से प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक Realme UI 1.0 बीटा अपडेट होगा। एंड फिर इसी के साथ ही साथ Realme UI 2.0 का बीटा अपडेट भी प्रोवाइड होगा। इसके रिलेटेड आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे दो अपडेट प्रोवाइड होंगे, एक Realme UI 2.0 बीटा एंड Realme UI 1.0 बीटा, क्योंकि जिनका फोन स्टेबल है, क्योंकि अभी Realme UI 1.0 रन कर रहा है आपके डिवाइस में, वो एक स्टेबल अपडेट है। एंड Realme UI 2.0 का जो अपडेट मिलेगा वो एक बीटा अपडेट रहेगा, एंड बीटा अपडेट सारे के सारे यूजर्स के डिवाइस में नहीं मिलेगा। तो यार उसी के साथ ही साथ एक स्टेबल अपडेट भी प्रोवाइड होगा, जो कि Realme UI 1.0 पे बीटा रहेगा, जो कि एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच अपडेट होगा। एंड इसी के साथ ही साथ बीटा अपडेट भी प्रोवाइड होगा, जो कि आपके डिवाइस में मे बी मिल सकता है अगर आप थोड़ा सिक्योर रहेंगे। तो अब बात करते हैं Realme के कौन कौन से स्मार्टफोन में Realme UI 1.0 का न्यू अपडेट मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसी के साथ ही साथ Realme 6 एंड 7 डिवाइस में जिनका फोन ऑलरेडी Realme UI 2.0 पे अपडेट है, उनके डिवाइस में जल्द से जल्द एक न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड Realme 6 डिवाइस में इसी मंथ के लास्ट वीक तक एक न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट फिर से मिलेगा, जिसमें आपको मार्च 2021 का न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तो हमारे डिवाइस में रिसेंटली में B.57 का अपडेट प्रोवाइड किया गया, जो कि हमें फरवरी 2021 के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ में देखने को मिला। अब आपके डिवाइस में मार्च 2021 का फिर से सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड होगा, वो इसलिए
हैं, क्योंकि देखो भैया यहाँ पे जैसा कि मैंने Realme 7 के साथ में बताया, क्योंकि Realme UI 1.0 एक स्टेबल अपडेट है, तो सबका फोन तो 2.0 के बीटा अपडेट में अपडेट तो हो नहीं जाएगा, तो एक स्टेबल अपडेट वर्जन पे एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया ही जाएगा, ये आप मान लो, एंड आपके डिवाइस में न्यू अपडेट जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ ही साथ जो पुराने स्मार्टफोन है लाइक दैट Realme 3 3i, Realme 3 Pro, 5 Pro, Realme X60, Realme X2 एंड Realme X2 Pro, इन सभी डिवाइसों में Realme UI का न्यू अपडेट मार्च 2021 का न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पता होगा यहाँ पे मैंने जैसे कि कुछ स्मार्टफोन का नाम लिया, Realme X2, Realme X2 Pro, अगर आप कहोगे कि BF में Realme UI 2.0 का अपडेट मिल चुका है, तो आप Realme UI 1.0 की बात कैसे कर रहे हो, तो देखो भैया उसमें एक बीटा अपडेट मिला है एंड काफ़ी सारे यूजर्स का फ़ोन अभी भी 1.0 पे रन कर रहा है, जिनका फ़ोन अभी 1.0 पे अपडेटेड है उनके डिवाइस में न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा Realme UI 1.0 बेट, एंड जिनका फ़ोन ऑलरेडी Realme UI 2.0 बीटा अपडेट में अपडेटेड है उनके भी डिवाइस में एक न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट बग फिक्स अपडेट प्रोवाइड होगा, जो कि एक नॉर्मल फे साइज का रहेगा, जिसका साइज 300-400 MB के आस पास में हो सकता है। तो यार ऐसा होता है इसका पूरा क्लियर फंडा कि कुछ स्मार्टफोन में ऐसे अपडेट प्रोवाइड होते हैं जिनके डिवाइस में 2.0 का अपडेट मिल गया, उनके डिवाइस में एक बग फिक्स अपडेट मिलता है, एंड काफ़ी सारे डिवाइस ऐसे भी हैं जिनका फ़ोन 2.0 में अपडेटेड है एंड उनके डिवाइस में काफ़ी सारे बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा है कि भाई अगर आपके डिवाइस में 2.0 में फ़ोन को अपडेट करने के बाद कोई भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे हैं, तो आप सिंपल फॉर डायरेक्ट Realme इंडिया को फीडबैक प्रोवाइड करो, मे बी आपके डिवाइस में अपकमिंग अपडेट के साथ में जो अपडेट मिलेगा उसमें वो भी बग एंड इश्यू को फिक्स कर दिया जाएगा Realme तरफ से। इसके लिए आप जा सकते हो अपने फ़ोन के डायलर में, आप 1.0 पे भी फीडबैक को शेयर कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आपको जाना होगा अपने फ़ोन के डायलर में, वहाँ पे टाइप करना है *800#, उसके बाद आपके डिवाइस में Realme UI या फिर Realme UI 2.0 का फीडबैक पेज हो जाएगा, वहाँ पे आप अपने फ़ोन का फुल फीडबैक दे सकते हैं जो भी बग एंड इश्यू आपके डिवाइस में देखने को मिल रहा है। तो यार ये रहा इसका पूरा प्रोसेस, एंड ऐसे करके आपने डिवाइस को 2.0 एंड 1.0 एंड ऐसे सब कुछ करके अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। ये रहा इसका पूरा क्लियर फंड, अपडेट कब आएगा, कैसे आएगा, एंड जिनमें मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट होगा, जो कि पुराने डिवाइस हैं 3 3i, Realme 5 5i, Realme 3 Pro, 5 Pro, Realme X60, इन सभी डिवाइसों में जो न्यू अपडेट मिलेगा उसमें मार्च 2021 का न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट होगा, एंड उसी के साथ ही साथ हमारे फोन के परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा Realme तरफ से। तो भैया ये सभी इन्फॉर्मेशन रही फॉर Realme यूजर्स, देन दैट फिट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।